इस बार का मुद्दा क्या रहेगा? इस बार का मुद्दा विश्वविद्यालय रहेगा, रोजगार रहेगा, भ्रष्टाचार रहेगा। और इस बार परिवर्तन साफ है, आम जनता की यही पुकार है कि माननीय अखिलेश यादव जी आएँ, गद्दी पर विराजमान हो, और जितने भी बेरोजगार युवा हैं, चाहे वो गरीब तबका हो, सारे लोगों को खुशहाल और रोजगार देने का काम अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी करेंगे। योगी जी तो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार यूपी में मुक्त हो गया है। अब देखिए, योगी जी तो ऐसे ही कहते रहते हैं। योगी जी का क्या मतलब है? योगी जी का कोई मतलब ही नहीं है। वो क्या कहते हैं, कब कहते हैं, क्या बोलना चाहिए, उनको अपने पद की गरिमा ही नहीं है। जिनको होता है गाली दे देते हैं, जिनको होता है अब शब्द का यूज़ करते हैं। क्या एक सीएम को इस तरीके के अपशब्द भाषाओं का प्रयोग करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पढ़े लिखे हैं और युवाओं के बारे में सोचेंगे, उनके रोजगार के बारे में सोचेंगे, आम जनता का विकास के बारे में सोचेंगे। और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ भटकाने का काम करेगी, इसके अलावा उनके पास कोई काम नहीं है। ना वो रोजगार के मुद्दे पर फैलें, किसान के मुद्दे पर फैलें, सारे मुद्दे जो भी हैं वो सारे मुद्दे पर फैलें। उन्होंने कहा कि हम जगह जगह मेडिकल कॉलेज और आईटी कॉलेज खुलवाए हैं। आप पता कर लीजिए मेडिकल कॉलेज का नींव कितने रखा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने। और ये फीता काटने वाले लोग हैं, ये काम करने वाले थोड़ी नहीं हैं, ये फीता काटते हैं और ये आगे फीता ही काटते रहेंगे। और इनको उत्तर प्रदेश की जनता हाथ जोड़ के कहती है, बाबा जी आप चले जाइए, मठ में जाइए, घंटा बजाइए, उत्तर प्रदेश को एक पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री चाहिए जो बेरोजगार युवाओं के बारे में सोच सके, गरीब किसान मजदूर के बारे में सोच सके। जी भैया, आपका नाम? सत्येंद्र यादव, सदस्य जिला पंचायत 12। इस बार क्या मुद्दा रहेगा चुनाव? मुद्दा क्या है, मुद्दा तो सभी मुद्दा खत्म कर दिए लोग। जो वादा किए वादा हुआ नहीं, फसल साढ़ चढ़ गई इन लोगों की, और उद्घाटन किए जा रहे हैं। क्या मतलब है इस सरकार का? समाजवादी सरकार आएगी इस बार? इस बार यूपी में किसकी सरकार? इस बार उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री योगी जी की सरकार पुनः आ रही है, क्योंकि जो है उन्होंने 5 साल में जो कार्य किया है वो पिछले 10 से 15 सालों में नहीं हुए हैं। उन्होंने जो है जिस प्रकार की व्यवस्था 5 साल में उन्होंने की हो, चाहे वो कानून की व्यवस्था हो, चाहे योजना परियोजनाओं को जमीन पर उतारने की योजना हो, उत्तर मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही अच्छा कार्य किया। इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता जो है भारी बहुमत से पुनः उत्तर प्रदेश में कमल खिलाने वाली है। भारतीय जनता पार्टी का नारा है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास, उसमें जुट गया है। और इसका उदाहरण यही है कि जो भी योजनाएं सरकार की चली हैं वो किसी हिंदू और मुसलमान के धर्म के आधार पर नहीं चली है। शौचालय मिला है तो शौचालय गरीब को मिला है, हिंदू को भी मिला है, मुसलमान को भी मिला है, ईसाई को भी मिला है। जो भी सरकार की योजनाएँ चली हैं वो बिना हिंदू मुसलमान के भेदभाव के मिला है। इससे बड़ा जातिवाद का नंगा नाच। जब अखिलेश की सरकार थी तो किस प्रकार से तुष्टिकरण की राजनीति करते थे, ये सबके संज्ञान में। सर एक मिनट, मैं 8 साल से यहाँ मेहनत कर रहा हूँ, भाजपा सरकार से भी अवगत कराया था कि यहाँ विश्वविद्यालय की जरूरत है, सपा सरकार से भी अवगत करवाया था, लेकिन दोनों सरकारें नहीं सुनी हमारी। गरीब छात्र जो होते हैं, ITI हुआ, इंजीनियरिंग हुआ, डिप्लोमा कोर्स हुआ, जो भी हुआ, छात्र छात्राएं जो भी कोर्स होता है यहाँ पर, डिप्लोमा कोर्स सर गाजीपुर में नहीं है, वो पढ़ नहीं पाते हैं, इसलिए दलित यहाँ पीछे हैं। और यहाँ पर सब जनता का सपना है कि गाजीपुर में एक विश्वविद्यालय बने, आज गाजीपुर का नाम ऊँचा हो, आज शहीदों की धरती के नाम से यह गाजीपुर जाना जाए। यहाँ पर मैं विधायक दल से कहना चाहता हूँ कि अभी से लग जाइए गाजीपुर में, अपनी वोट के चक्कर में मत भुलाइए कि हम वोट चाहिए अपने दल खातिर। ये लगे गाजीपुर में विकास कैसे होगा, यहाँ पर क्या कमी है, यहाँ पर कैसे लोग बढ़ेंगे आगे। इस बार ओम प्रकाश राजभर जी आ गए हैं समाजवादी पार्टी में, तो उनका क्या प्रभाव पड़ेगा इस साल में? यूपी से पूरा 100 में 100 अखिलेश यादव की सरकार बन रही है, इसलिए कि इतना सब भ्रष्टाचार हुआ है, इतना सब बेरोजगार मिला हम लोग को, इसलिए इस बार अखिलेश सरकार बन रही है। इससे पूर्व में भी 2012 से 2017 में अखिलेश यादव की सरकार थी, क्या उन्होंने बहुत दिए हैं रोजगार क्यों नहीं दिया है? इससे कम मिला है, जितना इसमें बेरोजगार मिला हम लोग को, सबसे ज़्यादा लोग परेशान है, महंगाई उसी तरह बढ़ा हुआ है, बेरोजगार उसी तरह बढ़ा हुआ है, गरीब लोग क्या करेंगे? माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी बोले थे 22 नवंबर 2013 में कि ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम, योजनाएं,
जो भी है वो सबके लिए। ट्रिपल तलाक बहुत बड़ी बुराई थी, एक सांस में तीन तलाक देना, और इसमें कहीं शरीयत का दखल नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कदम उठाया वो ऐतिहासिक कदम है। आज हमारी बहनों का तलाक 99% नहीं, 95% यानी 105% तलाक रुक गया। 3 साल की सजा जो है हलाला से बहुत अच्छा है, हलाला एक बहुत बड़ी बुराई है जो शरीयत में, कुरान में नहीं है ना हदीस है। उन्होंने बहुत बड़ा काम किया, इससे तलाक रुक गया। आधी आबादी खुशहाल है और सुखी है, और कश्मीर 370 जो उन्होंने हटाया, इससे भी आम कश्मीरियों का वहाँ भला हुआ। इस देश का संविधान लागू होगा, जमींदारी विनाश कानून लागू होगा, ज़मीनें बटेंगी, वहाँ के आम कश्मीरी दलित मुसलमान जो हैं उन्हीं का लाभ होगा। और जो भी काम हो रहा हिंदू मुसलमान देख के योगी जी महाराज नहीं कर रहे। योगी जी महाराज इस देश के और इस प्रदेश के पहले चीफ मिनिस्टर हैं जो ईमानदार है। उनको के परिवार का कोई वो नहीं, सारा परिवार उनका है, तो कहीं भेदभाव नहीं। कानून का राज है, कहने का मतलब ये है कि कानून का राज चल रहा इस प्रदेश में। तो हम लोग चाहेंगे, हम लोग क्या, आम लोग चाहते हैं पुनः सरकार आएगी। और योगी जी ईश्वर से हम कामना करते हैं, अल्लाह ताला से, कि पुनः वो चीफ मिनिस्टर बनेंगे, ये अपराधियों का साम्राज्य खत्म होगा और शांतिमय आम जनता इज्जत आबरू से अपना जीवन निर्वाह करेगी। सर, तो अब की बार योगी सरकार, 100% योगी सरकार।